तो दोस्तों हम मौजूद हैं इस वक्त मंगोरा सवात में, और मंगोरा सवात के जो गांव हैं अखुन किले, वहां पर हम मौजूद हैं। और जो हमारे मेज़बान हैं वो हमें कश्ती की सैर कराने ले जा रहे हैं। तो साथ साथ खूबसूरत दरिया और खूबसूरत नज़ारों से आप भी लुत्फ अंदोज़ हो जाएंगे, हम भी ज़रा कश्ती की सैर करते हैं। हम जनाब अली अखुन किले में दरिया की जानिब हम रवा दवा हैं, और रास्ते में एक रिवायती पन चक्की हमें दिख रही है, बच्चे खेलते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और ये पन चक्की है, और ज़माने कदीम से जो हमारे मेज़बान हैं सुल्तान गनी, उनका ये बताना था कि ये चक्की जो है बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल इस चक्की की एज है, और आज भी लोग प्रेफर करते हैं इस चक्की में ही आटा पीसने को। वो दूर दराज इलाकों का या फ्लोर मिल्स का रुख नहीं करते, बल्कि इसी चक्की के ज़रिए ही। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस एरिया इलाके का जबरदस्त जबरदस्त अस्सलामुअलैकुम। तो ये जनाब अली, यहाँ रास्ते में किसी बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई, हमारे मेज़बान आगे आगे हैं जो हमें दरिया की तरफ मुतवातिर ले जा रहे हैं। ओह, नज़ारे इंतहाई दिल फरेब है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, सरसब्ज खेत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिस इलाके में से हम आए हैं वहाँ तो इस वक्त ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी देख कर हमें लग रहा है कि हम मौसम में बाहर में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब मौसी बाहर के लिए काफ़ी टाइम बाकी। ये हम रास्ते से गुजर रहे, भैया आपको रास्ते भी दिखाते चले। क्या ये पूरा मोहल्ला, सुल्तान गनी साहब बता रहे थे कि पहले यहाँ पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसे सैलाब बहाकर ले गया। ये हम एक रिवायती रास्ते से इस वक्त हमारे दोस्त गुजर रहे हैं, और मैंने भी यहीं से गुजरना है, लेकिन मुझे अब मोबाइल बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये नज़ारे पूरे देख पाए तो फिर आप मोबाइल ऑफ करते हैं और उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। अखुन किले है ये इलाका, सवात का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये एक और पथरीला रास्ता है जहाँ से आबिद साहब और कनी साहब गुजर के जा रहे हैं, और बजरी भी साथ साथ निकाली जा रही है। यहाँ से क्रॉस करते वक्त आपको पानी तो बिल्कुल कम दिख रहा होगा, लेकिन ये क्रॉसिंग का जो मरहला है ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है बेसिकली, क्योंकि इसमें आपके पाँव के फिसलने के खतरात बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आप जब भी क्रॉस करते हैं तो लाजमी तौर पर एहतियात बरतें। यहाँ पर बजरी निकाली जा रही है क्योंकि इतना दरिया का इलाका है, और अमूमन यहाँ पर सैलाब भी आते रहते हैं, तो अगर इस तरह आप अंधाधुंध निकालते हैं, बजरी निकालते हैं, तो यकीनन जो पानी का रुख है वह मुड़ जाता है। सो मुकामी अफराद भी इस पर काफ़ी उनसे मेरी बात हुई है, तो उनका ये बताना है कि यहाँ सैलाब किसी भी टाइम आ सकता है, गर्मियों में ख़ास तौर पर। ये रिवायती कश्ती है जिसे स्कर्दू में तो जख कहा जाता है, यहाँ इस कश्ती को क्या कहा जाता है भाई? जाला। और जाला कहा जाता है इसको। हाँ, हाँ।
जी हम तो ये रिवायती कश्ती में सवार होने जा रहे हैं काफी। नहीं हमें नहीं आता। अच्छा इस्तेमाल होने वाली मुकामी कश्ती है जिसे टायर्स से बनाया जाता है और इस वक्त मैं यकीनन मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। तो आप देख सकते हैं दरिया की जो मौजें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो माहिर कश्तीबाज है वो बहुत आसानी के साथ इस कश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ीशान और वक़ार इस वक्त कश्ती में सवार हैं और इनका सफ़र अभी इस वक्त जारी है। ये गनी में बताइए, कश्ती जो है किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है अमूमन? असल ये है, यहाँ ये नज़दीक गांव जो है ना, आमने सामने वाला, इन लोगों के लिए बड़ी सहूलियात होते हैं दरिया क्रॉस करने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर ये मकामी यहाँ के लोग अगर आगे खेतों में जाते हैं तो फिर जो है ना उनको गाड़ी में बाजार से दूर आना पड़ेगा, और यही से ज़्यादा ज़्यादा तकरीबन हम यानी 15-20 मिनट जो है ना वो लग जाता है। सही, तो काफ़ी सहूलियात है लोगों को। लाड़ो पूरी रात मैंने जाग के इस तरह ये शिकार करते बहुत पसंद करना पड़ेगा सर्दी में ज्यादा होता है। वो तो ठीक हो गया।